सो गाइज, ये हमारे न्यू फिशेस है जिन्हें हमने एक्लिमेट करने के लिए रखा था। एक्लिमेट करने के बाद अभी इसी गप्पी टैंक में मैं इन्हें रिलीज करने वाला हूँ। सो ये कौन से फिश है वो तो आपने देख लिया होगा। इसे कोरिडोरास कहा जाता है, काफी लोग कोरी कैटफिश भी कहते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में आते हैं। जैसे जो हमने लाया ये पेपर्ड कोरिडोरास है, इसमें आपको अल्बाइनोज मिल जाते हैं, पांडा मिल जाते हैं, ग्रीन मिल जाते हैं, बहुत सारे वेराइटीज आते हैं इसमें भी आपको देखने मिलेंगे, स्टर्बी कोरिडोरास। सो इनका काम क्या होता है, मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि आपके एक्वेरियम में जितना भी वेस्ट रहता है, वेस्ट इन द सेंस जो अनईटन फूड है, ये उसे खा लेते हैं। काफी लोगों को लगता है कि जो फिश का वेस्ट है वो भी खा लेते हैं और एल्गी भी खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अनईटन फूड रहता है, जो वेस्ट मतलब पड़ा हुआ रहता है अनईटन फूड, उसे ये खा लेते हैं। सो उस तरीके से आपके टैंक में अमोनिया वगैरह थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें जो अनईटन फूड है वो खराब नहीं होता है, वो ऑलरेडी कंज्यूम हो जाता है कोई फिश के थ्रू। सो बस ये एक छोटा सा अपडेट आपको देना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड हैप्पी फिश कीपिंग।